एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन एक ट्रिक सीखेंगे, वो किसके लिए यूज होगी? 11 के लिए। 11 के लिए यूज होगी, ठीक। तो 11 का आपको किसी भी संख्या के साथ है का आपको गुणा कराना होता है, तो आप किस तरह से करा सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि अगर एकदम नॉर्मल ले लेते हैं हम, कोई भी संख्या नॉर्मल सी 121 है, 121 के साथ आप 11 का गुणा करा दीजिए। नॉर्मल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से कराएंगे? आपको लग सकता है कि ये ट्रिक नॉर्मल जो मेथड है अपन करते हैं नॉर्मल, तो उस जितना ही टाइम लेती है, पर ये गलत है। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है, पर आप प्रैक्टिस करेंगे इसी पे, तो आप हाफ टाइम में, उसके हाफ टाइम में आप इजीली क्वेश्चन को गुणा करा लेंगे 11 से। तो कैसे कराना है आपको? ये एक है तो इसको पहले एक लिख दीजिए 11 से। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, 11 से गुणा कराना है तो एक। अब इस एक को इसके साथ ऐड कीजिए, कितना हो गया? तीन। तीन। अब इस दो को इसके साथ ऐड कीजिए, कितना हो गया? तीन। और फिर लास्ट में बचा एक, एक ये हो गया गुणा। बस इतना सा टाइम लगता है। जैसे कि आप बड़ा ले लेते हैं कहीं, अब इसके साथ आपको 11 का गुणा कराना है, तो कैसे कराना है? बस वही, ये दो, फिर इस दो को इसमें ऐड करा दीजिए 5, फिर इस तीन को इसमें ऐड करा दीजिए 8, फिर इस 5 को इसके साथ ऐड किया जी 9, फिर इस 4 को इसके साथ करा दीजिए 7, और फिर इस 3 को इसके साथ करा दीजिए, कितना हो गया? ये भी 7 हो गया, ठीक। और फिर लास्ट में क्या बचा हमारे पास? 4, ये 4 रह गया बस इस तरह से। तो कितना फास्ट होता है इससे गुणा, तो आप इजीली है कि ये समझ गए होंगे। एक और ले लेते हैं जिसमें कुछ अलग हो, जैसे कि 3 9 7 2 8 9 9, ठीक। इसके साथ आपको 11 का गुणा कराना है, तो किस तरह से आप करा सकते हैं वो देख लिया। तो वही 9 का 9 रख दिया, इस 9 को इसके साथ ऐड कराएंगे तो कितना हो गया? 18, 18 का 8, एक कैरी गया, वो आपको यहाँ पे इसमें प्लस कर देना है। जैसे कि 9 है, तो 9 को आप इसमें ऐड कराएंगे, कितना हो गया? एक प्लस कैरी का यहाँ, तो 9 8 17, 17 और 1 18, वापस से एक कैरी गया जो इसके साथ ऐड होगा 1, तो 8 और 3 11, 11 और 1 12, वापस से एक कैरी गया, 1 प्लस 1 होगा, 3 और 7 10, 10 और 1 11, वापस से एक गया कैरी प्लस 1, तो 9 और 7 कितना हो गया? 16, 16 और 1 17, वापस से एक कैरी, 9 और 3 12, 12 और 1 13, वापस से एक गया प्लस 1। तो प्लस 1 को क्या करना है, अब लास्ट में हमें ये 3 रखते हैं, तो 3 प्लस 1 4 रखते हैं बस। इस प्रकार से आप इजीली और फास्ट करा सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो भी फास्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ काम आएगा? सिर्फ 11 के लिए नहीं, यदि आपको कोई संख्या दे दी जैसे कि, और आपको दे दिया जैसे कि 55 का गुणा करा दीजिए, तो आप 55 का न करा के आप ये कर सकते हैं इसको, यहाँ पे भी ये काम आ जाएगा। आप 11 × 5 लिख सकते हैं, तो आप 11 का करा दीजिए पहले। 11 का अपना मेथड है ही, 3 और 3 को 4 में करें ये तो 7, 7 और 3 और 4 7, और 3 और 1 4, और ये 1। अब इसके साथ 5 का इंटू तो आप इजीली करा ही लेंगे, तो इस प्रकार भी आपका ये काम आ सकता है। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इसके साथ गुणा कराना है आपको। आप 11 का इसके साथ गुणा कराए कि कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप कितना इसका आंसर आया। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।